है, आप उसको अपने 50 लाख के पुराने नोट दे दो, उसके बदले वो 35 लाख देगा, वो भी नए नोट में। 50 लाख के बदले में 35 लाख? हाँ, और डिलीवरी 5 दिन बाद सिलवासा के पास जंगल में मिलेगी। देख भालू, भाईलू, मैं भालू नहीं हूँ जो आधी रात को जंगल में जाऊँ। डॉलर ले लो, डॉलर, अमेरिकी डॉलर। मैं हिंदुस्तान में रहता हूँ भाई, अमेरिकी डॉलर लेके मैं क्या करूँगा? अरे जीजा जी, अरे फोन रख। हेलो गड्ढा इलेक्ट्रॉनिक्स। हाँ जीजा जी, मैं चंदू बोल रहा हूँ, सुंदर भाई का दोस्त। अभी अपने पास एक पार्टी है, वो आपके 500,000 के 50 लाख के पुराने नोट ले लेगी और 50 लाख के नए नोट दे देगी। पुराने नोट के 50 लाख के बदले नए नोट के 50 लाख दे देगी? हाँ। अरे तो कहाँ है वो पार्टी? जल्दी वो पार्टी को मेरे पास लेके आ भाई। लेकर तो आ जाता हूँ, लेकिन वो 50 लाख के नए नोट आपको अगली दिवाली पे देंगे। अगली दिवाली पे? हाँ भाई, धीरे धीरे सेटिंग करके देंगे ना। और अगली दिवाली तक वो मेरे 50 लाख लेकर गुम नहीं हो जाएगा, उसकी क्या गारंटी? अभी जीजा जी, थोड़ा तो भरोसा करना पड़ेगा ना। नहीं भाई, मुझे कोई भरोसा नहीं करना है, और मुझे 50 लाख के नए नोट चाहिए ही नहीं। हाँ, नोट नहीं चाहिए, कोई बात नहीं, सोना ले लो, सोने का सेटिंग करवा दो। हाँ, लेकिन अगर आप 500,000 के पुराने नोट पे पेमेंट दोगे ना, तो आपको एक तोला 50,000 में मिलेगा। 50,000? अरे मार्केट में तो सोने का भाव 30,000 है। हाँ, आप 100 के नोट पे पेमेंट दोगे तो 30,000 में मिल जाएगा। बोलो, कराओ सेटिंग। भाई मुझे ऐसा कोई काला धंधा करना नहीं है। हाँ, फोन रखो, चलो। अरे जीजा जी, ये सुंदर ने क्या लगा रखा है, उसको रोकना ही पड़ेगा। बताया 500 की नोट नहीं दूंगा, छुट्टे ही दूंगा। बोलो, उबेर भी 500 और 1,000 की नोट नहीं लेता है। अरे दुकान से फोन, माय डियर जीजा जी कहीं होगा। हेलो माय डियर जीजा जी, अच्छा हुआ आपने फोन किया। अरे मैं आप ही का काम कर रहा हूँ, अरे आपके लिए बहुत अच्छी स्कीम मिली है। सुंदर, मुझे कोई स्कीम नहीं सुननी है, और मेहरबानी करके तू पूरे गांव में ढिंढोरा पिटना बंद कर कि मेरे पास 50 लाख रुपए रोकड़े पड़े। माय डियर जीजा जी, मैंने सिर्फ अपने करीबी और विश्वासु दोस्तों को ही बताया है, मैं ऐसी चर्चा चाय की टपरी पे थोड़ी ना करूंगा। हाँ, तो जिसको जिसको बताया सबको बोल दे कि मेरे पैसों की सेटिंग हो गई है, अभी मुझे मदद की जरूरत नहीं है। हाँ, लेकिन क्यों? तो भाई तेरे सब दोस्त एक से गैर कानूनी रास्ते बता रहे, और मैं कोई गैर कानूनी काम नहीं करना चाहता हूँ भाई। अरे माय डियर जीजा जी, आपको पता है ना, 500 और 1,000 की नोटें रद्द हो चुकी है। अब आप उसको रख के क्या करोगे? क्या करेंगे क्या, जिससे लिए है उनको वापस दे दूंगा। हाँ, आप दोगे और वो ले लेगा, क्यों? अरे माय डियर जीजा जी, आप बहुत बोले हो, इस टेढ़ी दुनिया में सब आपके जैसे सीधे लोग नहीं होते। भले सीधे ना हो, लेकिन मैं टेढ़ा नहीं हो सकता भाई। और देख, तूने अभी तक मेरे लिए जो कुछ किया, उसके लिए बहुत बड़ा थैंक यू। अभी रहने दे भाई प्लीज। हाँ, ठीक है जीजा जी, आपकी यही मर्जी है तो यही सही। हाँ, यही मर्जी है। ओके, थैंक यू। चल, कुंभार गधेड़े ना चढ़े, ये पाछल थी कैसे बचाओ बचाओ, पछी सुंदर क्या थी बचावे। सेठ जी, अपने फोन का वायर क्यों निकाल दिया? हाँ नट्टू काका, आज कोई काम का फोन आने वाला नहीं है, सब बेकार के फोन आने वाले हैं, इसलिए वायर निकाल दिया। आइए भाई साहब, क्या दिखाऊं? टीवी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज। आपकी दुकान में सबसे महंगा टीवी कौन सा है? सबसे महंगा और सबसे लेटेस्ट ये वाला टीवी है भाई साहब, बेस्ट HD है, उसका इफेक्ट है सब, और 4,40,000 का भाव है उसका, लेकिन बहुत बढ़िया पीस है। जरा ये टीवी दिखा। आइए। दिखाने की जरूरत नहीं है, आप जल्दी से पैक कर दीजिए। टीवी देखना नहीं है? नहीं, देखना नहीं है, और मैं आपको पेमेंट भी कैश में दूंगा, आपको चलेगा ना? कैश में? हाँ, कैश में। तो पुराने 500,000 के नोट होंगे नहीं? हाँ। नहीं, वो नोट तो हम कैसे ले सकते हैं, वो नोट तो रद्द हो चुके हैं ना। आप चेक दे दीजिए, चलेगा? आप ऐसा कीजिए कि 10% एक्स्ट्रा लगा दीजिए, तब तो ठीक है ना? नहीं भाई साहब, वो नहीं हो सकता। ओके नट्टू काका, आज अभी दुकान बढ़ा लो। सेठ जी, ये आप क्या कह रहे हैं? हाँ भाई, आज अभी कोई कस्टमर आएगा नहीं, जो भी आएंगे वो ऐसे ही आएंगे, पुराने 500,000 के नोट लेके आएंगे। इससे अच्छा है दुकान आज बढ़ा लो, बंद कर दो। आज अभी ये दुकान चालू रखने का कोई मतलब नहीं है। हाँ ये बात तो सही है सेठ जी। तो अभी आप लोगों के लिए भी छुट्टी है, आप भी घर जाओ, मैं भी घर जाता हूँ और सोचता हूँ ये 50 लाख का क्या करना है। सेठ जी मैं एक सुझाव दूं, आप जाकर अपने सीए चंद्रकांत भाई से मिलिए ना, वो जरूर कोई न कोई रास्ता दिखाएंगे। हाँ ये आइडिया अच्छा है, मैं हमारे सीए चंद्रकांत भाई को जाकर मिलता हूँ। आप एक काम कीजिए, अपने विड्रॉल की डिटेल्स मंगवा लीजिए। ओके देखिए जेठालाल जी, जब से 500 से 1000 रुपए के नोट बंद हुए हैं तब से दिन रात रात के 3-3, 4-4 बजे तक फोन पे फोन आ रहे हैं। आप बहुत खुशनसीब हो जो अपनी सारी डीलिंग एकदम व्हाइट में करते हो। हाँ लेकिन इस बार तो मैं भी फंस गया हूँ चंद्रकांत भाई। क्यों, क्या हुआ? क्या बताऊँ, हुआ यूं के इस तरह ये 50 लाख कैश मेरे गले में अटक गए। तुम ये 50 लाख रुपया लेकर घूम रहे हो? तुम्हें पता है नकली नोट का धंधा करने वाले बेईमान लोग, करप्ट लोग अपना पैसा छुपाने के लिए घूम रहे हैं और पुलिस वाले उनको पकड़ रहे हैं। क्या पुलिस ने जाल बिछा कर रखा हुआ है ऐसे लोगों के लिए? अगर तुम इन पैसों के साथ पकड़े गए तो लेने के देने पड़ जाएंगे। अरे नहीं नहीं, मैं तो जितनी जल्दी हो सके इन पैसों से छुटकारा पाना चाहता हूँ, इसीलिए मनोज भाई को मिलने गया था, ये पैसे वापस लौटाने गया था, लेकिन वो बाहर गाँव चले गए। देखो जेठा भाई, जब तक मनोज भाई नहीं मिल जाते इस पैसे को अपने घर पर किसी सुरक्षित जगह पर रख दो। नहीं नहीं वो तो मैं रख दूंगा, लेकिन मुझे आपसे ये सलाह चाहिए कि मान लो कल मनोज भाई ये पैसे लेने से इनकार कर दे तो मैं क्या करूं? अच्छा जेठा भाई ये बताओ, मनोज भाई ने आपको पैसे दिए इस बात का उनके पास कोई प्रूफ है? मेरा मतलब है कि उन्होंने किसी पेपर पर साइन तो नहीं करवाया आपसे? हाँ पेपर तो साइन करवाए थे। क्या लिखा था उस पे? पता नहीं, मैंने पढ़ा नहीं। क्या कमाल करते हो जेठा भाई, तुमने बिना पढ़े पेपर साइन कर दिए। एक आदमी मेरे एक फोन पे बिना कोई सवाल पूछे 50 लाख रोकड़ा अगर मुझे भेजता है मेरी मदद के लिए, तो ऐसे में क्या है कि वो भरोसे वाली बात हो जाती है ना, इसलिए मैंने बिना पढ़े साइन कर दिया। लेकिन वैसे भी ये मनोज भाई से मेरी बहुत पुरानी पहचान है, फिर भी तुम्हारा फोन तो नहीं उठा रहे है ना, ऊपर से तुम उनको 50 लाख रुपए का चेक भी देकर बैठे हो। अगर उन्होंने बोल दिया कि ये 50 लाख उनके नहीं है और आपका चेक बैंक में डाल दिया और वो चेक कैश हो गया, तो आपकी तो मेहनत की कमाई उनके अकाउंट में चली गई और उनके बिन हिसाब के 50 लाख तुम्हारे गले में, वो भी 500 और 1000 के नोट जो अब रद्द हो चुके हैं। तुम्हारे जैसे बिजनेसमैन को ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए। हो गई गलती, क्या करूँ, आप ही को ये रास्ता बताइए। जेठा भाई आपको सीए की नहीं दिए की जरूरत है, भगवान के सामने दिया करके प्रार्थना करो कि कल मनोज भाई मिल जाए और अपने पैसे वापस ले ले। अरे साहब आप फिर से? हाँ बैठिए बैठिए। मेहता साहब। हाँ जेठालाल, काम हुआ? नहीं मेहता साहब, वो मनोज भाई तो मिले ही नहीं, वो बाहर गाँव गए, कल मिलेंगे। ओ, तो बैग वापस नहीं किया? अभी मिले ही नहीं तो वापस कैसे करता। तो बहुत बड़ी समस्या हो गई जेठालाल। अरे बहुत बड़ी समस्या हो गई है मेहता साहब, समझ में नहीं आ रहा है अभी इसका क्या करूँ मैं, कुछ सूझ नहीं रहा है। हाँ मैं समझ सकता हूँ जेठालाल, लेकिन चिंता मत करो, सब ठीक होगा। बाय द वे अभी तुम कहाँ हो? मैं अभी रिक्शा में हूँ, घर जा रहा हूँ। ठीक है, तुम एक बार आराम से घर पहुँचो, बाद में बात करते हैं। ठीक है मेहता साहब। दोस्तों मैं गोल्डन क्रो अवार्ड विनर अंतरराष्ट्रीय अखबार तूफान एक्सप्रेस का वरिष्ठ युवा पत्रकार पोपटलाल जैसे अपनी हर खबर के लिए करता हूँ, इस खबर के लिए भी मैंने खास रिसर्च किया है। उसके फायदे तो बहुत है। फायदा बराबर है। और पहला फायदा तो ये है कि मार्केट में बहुत वक्त से डुप्लीकेट नोट घूम रहे थे और कुछ लोग तो मेरे को चिपका के चले गए। समझो अभी ये नकली नोटों का जो धंधा कर रहे हैं ना, इन लोगों का पूरा सफाया हो जाएगा। बिल्कुल। अरे भाई उनकी तो दुनिया हिल गई है। हाँ डुप्लीकेट नोट तो मसला ही, और उसके अतिरिक्त ये आतंकवाद जैसी जो राष्ट्र विरोधी गतिविधियां होती है और जिनके लिए अवैध धन जुटाया जाता है, उस पर रोकथाम लगेगी। और एक और बेनिफिट ये है कि पूरे देश में डिजिटल मनी यूज करना लोग सीख जाएंगे। मतलब क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ये सब यूज कैसे करते ये सब लोग सीख जाएंगे। अरे यार भाई अभी भी हमारे देश में बहुत सारे लोग अनपढ़ हैं। टेक्नोलॉजी से वाकिफ नहीं है, उन सब का क्या होगा? पोपड़ालाल, तुम्हारा बात बिल्कुल बराबर है, लेकिन कहीं से तो स्टार्ट करना पड़ेगा ना। अरे ये पहला स्टेप है। करेक्ट। और स्टार्ट तो हो ही चुका है। वो हमारे इधर जो सब्जी वाली आती है उसने ले लिया पेमेंट डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड से। हाँ, बराबर है सोडी। जरा सोचो, हमने कभी सोचा था कि हम लोग गोकुलम कंपाउंड में खड़े खड़े कार स्वाइप करके ऐसे सब्जी खरीदेंगे? कितनी बढ़िया बात है। और दोस्तों मुझे लग रहा है कि इसका सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि हम सब ज्यादा बचत करने लगेंगे। क्या है, पिछले कुछ सालों से हम मिडिल क्लास लोग भी अपनी जरूरतों को छोड़कर मौज मजे के लिए ज्यादा खर्चा करने लगे थे, तो थोड़े समय तक सबको जितनी जरूरत होगी उतना ही खर्चा करेंगे। क्या तो बचत होगी ना। हाँ, ये भिड़े का बड़ा ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, बहुत जबरदस्त। ये जो हमारी सामाजिक संरचना में ये परिवर्तन बहुत महत्वपूर्ण होगा। हम मिडिल क्लास लोगों को एहसास होगा कि हम लोगों का गुजारा बहुत कम पैसे में चल सकता है या फिर इतने ही पैसों में चल सकता है, तो हम तो बेकार में पैसे जाया कर रहे थे। करेक्ट, करेक्ट। और जो पैसे घर में पड़े होंगे, जो पैसे हम बचाएंगे, वो सारे पैसे लोग बैंकों में जमा करेंगे और बैंकों के पास ज्यादा पैसा आएगा। इसका मतलब है सरकार के पास ज्यादा पैसा आएगा। हाँ यारो, और सरकार के पास ज्यादा पैसा आएगा तो अपने देश के लिए और भी ज्यादा काम करेगी। बिल्कुल। लेकिन भाइयों, ये तो हुई फायदे की बात। ये तो हम सब जानते हैं कि 500 और 1000 के नोट बंद करने के फायदे तो बहुत है, लेकिन हर सिक्के का दूसरा पहलू होता है और इसके दूसरे पहलू से बहुत सारे लोग नाखुश होंगे। जैसे कि जेठालाल। जेठालाल जैसे व्यापारी जिन्होंने दूसरों से अपने काम के लिए नगद पैसे लिए होंगे, वो सब तो बुरे फंस गए ना। उनको कितनी तकलीफ हो रही होगी। अरे जेठाबरा आ गए, आओ जेठाबरा, आओ आओ। सब मंडली यहाँ जमा हुई है, क्या बात है? 100 साल जियोगे तुम। अरे भाई, 100 साल नहीं जीना है, 100 के नोट हो तो बोलो। अरे तुम्हारी बातें हो रही थी अभी। अच्छा, क्या चर्चा चल रही थी भाइयों? बस जेठालाल, बातचीत चल रही थी, उसमें सब लोग यही बात कर रहे थे कि 500 और 1000 के नोट जो बंद हुए हैं उनके क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, बस उसका प्रभाव क्या है। और मैं ये कह रहा था कि तुम्हारे जैसे व्यापारी जिन्होंने अपने व्यापार के काम से दूसरों से नगद पैसे लिए हैं, वो तो सरकार के इस विमुद्रीकरण के निर्णय से बेकार में फंस गए ना। नहीं, लेकिन मेरे केस में सरकार की गलती है ही नहीं, मेरी समस्या अलग है। अभी संजोग ही ऐसे हुआ कि मुझसे वो रोकड़ा लेने की गलती हो गई, उसमें कागनू बेसू ने डालनू पड़वू हो गया। बिल्कुल। क्या अड़वू, क्या बाड़वू, पड़वू, क्या जडल? हमारे गुजराती में कहावत है, कागनू बेसू डालनू पड़वू। मतलब मैंने नहीं खबर। मतलब कौवे का डाल पे बैठना और डाल का टूटना। तो इसमें आप ना कौवे को दोष दे सकते हैं, ना डाल को दोष दे सकते हैं। तो संजो कि ऐसे हुए कि कौवा बैठा, डाल टूटी। अच्छा बैठ। तो क्या मेरे केस में भी ऐसा ही हुआ। मैं हमेशा चेक से ही सब डीलिंग करता हूँ, लेकिन कल ये रोकड़ा लेने की गलती हो गई और उसी टाइम पे ये नोट भी रद्द हो गए, तो समझो वसाते हो गया ना सब। विचित्र कोइंसिडेंस। हाँ। अरे हाँ, लेकिन मनोज भाई जेठालाल को कल 12 बजे मिलने वाले हैं, तब ये पैसे जेठालाल से वापस ले लेंगे। तब तक जेठालाल को पैसों की याद दिला दिला के और टेंशन मत बढ़ाओ यार। हाँ पोपटलाल, तुम कह रहे थे तुमने रिसर्च किया है नोटबंदी पे, तो सिक्के का दूसरा पहलू भी है। क्या है सिक्के का दूसरा पहलू? जी। भाई मैं ये कह रहा था कि इससे बहुत सारे लोगों को बहुत सारी परेशानी होगी। देखिए, हम लोग तो शहरों में रहते हैं, हमारे पास बहुत सारी सुविधाएं हैं, बैंक है, ATM है, लेकिन अभी भी हमारे देश में बहुत सारे लोग कृषि प्रधान है, दूर दराज गाँव में रहते हैं, उनका क्या? हाँ यारो, वो बहुत से लोगों का काम रोकड़े से ही चलता है और बहुत सारे गांव तो ऐसे, वहाँ पे ATM तो छोड़ो, बैंक भी नहीं है। Yes, और इसीलिए ऐसे लोगों को बहुत दूर तक बैंक में और पोस्ट ऑफिस में नोट बदलवाने के लिए जाना पड़ेगा, तो परेशानी तो होगी ना, और वो भी रोज उनको अपना काम छोड़कर जाना पड़ेगा। और ये भी सोचो कि देश के टोटल पैसों में से 86% पैसे 500 और 1000 के नोट में है। हाँ, और जब इतनी बड़ी संख्या के नोट बदले जाएंगे और बदल के बैंक तक पहुंचाए जाएंगे तो इसमें वक्त तो लगेगा ही। तो जितना समय ये सब बदलने में लगेगा, उस समय तक तो थोड़ी सी अस्थायी तौर पे से ही, लेकिन थोड़ी तकलीफ होगी। हाँ, मान लो अभी कल पोपू की शादी होती तो पोपू की तो हालत खराब हो जाती। क्यों भाई, मेरी हालत क्यों खराब होगी? ओ भाई, शगुन में सब लोग तेरे को 500 500 1000 1000 के नोट देते, फिर तेरे को बैंक में जाके लाइन में लगना पड़ता। कोई प्रॉब्लम नहीं है सोडी, मैं बिना खाए पिए दुनिया की सबसे लंबी लाइन में खड़े रहने के लिए तैयार हूँ, बस मेरी शादी हो जाए। अरे हो जाएगी भाई पोपटलाल, तुम्हारी भी शादी हो जाएगी जल्दी। तुम्हारी जिंदगी में बिल्कुल 2000 के नए नवेले नोट की तरह नई नवेली दुल्हन आएगी। और हाँ, जिन लोगों का रिलेटिव प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट होगा उनको अभी बहुत परेशानियां हो रही होगी। यानी करेक्ट है, क्योंकि सरकारी अस्पताल में 500,000 के नोट ले रहे हैं लेकिन प्राइवेट में नहीं ले रहे। और जो मुसाफिरी कर रहे होंगे उनको तो अनजाने में झटका लगा होगा। झटका लगा होगा कैसे? मान लो कल आप ट्रेन से टिम्बकटू जा रहे हैं। जेठालाल, मैं टिम्बकटू क्यों जाऊंगा? तो किधर जाना है आपको? अरे मैं किधर क्यों जाएगा? अरे ठीक है ना भाई, चिंचपोकली जा रहे हैं, बोलो। हाँ, मुद्दा क्या है? नहीं, चिंचपोकली खूब नजीक का है, थोड़ा दूर का स्टेशन चाहिए। हाँ तो कलकत्ता जा रहे। कलकत्ता क्यों? कलकत्ता नहीं क्यों जेठालाल? कोलकाता क्यों नहीं? कलकत्ता 2 रात के बाद आप पहुंचेंगे ना, हमें ऐसा कोई स्टेशन चाहिए जहाँ 1 रात के बाद आप पहुंच सको। हाँ तो चेन्नई जा रहे हैं, चेन्नई चलेगा? हाँ चलेगा चलेगा। हाँ चेन्नई चलेगा, ठीक है। तो यार भाई मान लो आप ट्रेन से कल चेन्नई जा रहे हैं, बराबर है? अभी आप मुसाफिरी कर रहे हैं और आपको ये नोट रद्द हुए उसकी खबर ट्रेन में ही मिली। अभी दूसरे दिन आप चेन्नई पर उतरे और आपकी जेब में 500,000 के नोट है, तो आप तो फंस गए ना। मतलब ना कोई टैक्सी वाला आपको टैक्सी में बिठाएगा, ना कोई रिक्शा वाला रिक्शा में बिठाएगा, यहाँ तक कि आप चाय पानी नाश्ता भी नहीं कर सकोगे। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। और वैसे देखा जाए तो हम में से कोई अर्थशास्त्री तो है नहीं कि सचोट आगाही कर सके कि भाई जो निर्णय लिया है उसके कितने फायदे हो सकते हैं और कितना नुकसान हो सकता है, वो तो आगे जाके ही पता चलेगा। हाँ बिल्कुल ठीक जेठालाल, हम लोग कोई अर्थशास्त्री तो है नहीं, हम तो इस देश के जागरूक नागरिक हैं। तो जागरूक नागरिक होने के नाते हम ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि जो भी हो देश का भला हो। बिल्कुल सही मेहता साहब। चलिए दोस्तों, इसी आशावाद के साथ ये चर्चा यहाँ पे समाप्त करते हैं और अपने अपने घर चलते हैं। चलिए मेहता साहब। अरे जेठालाल, मैं क्या कह रहा था, अब इस 50 लाख का तो जो भी होना है कल ही होना है, इसके बारे में ज्यादा सोच के फायदा नहीं है ना, चिंता मत करना। हाँ नहीं नहीं, ठीक है चलो, ठीक है ओके गुड नाइट। हाँ विमुद्रीकरण, डिमोनेटाइजेशन यानी कि सरकार का निर्णय 500,000 के नोट को बंद करने का बिल्कुल नई नवेली दुल्हन की तरह है। कुछ लोगों को यह निर्णय बहुत अच्छा लग रहा है, कुछ को इसमें गलतियां ढूंढनी है और कुछ लोगों को इससे समस्या भी हो रही है। अब ये निर्णय नई नवली दुल्हन की तरह घर की शोभा बढ़ाता है या सबके लिए समस्याएं लेके आता है, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन हम तो ईश्वर से यही प्रार्थना कर सकते हैं कि जो भी हो बहुत अच्छा। लेकिन यहाँ मेरे परम मित्र जेठालाल की मुसीबतें दिन दुनी रात चौगुनी गति से बढ़ती जा रही है। मनोज भाई मिले नहीं है और अभी भी 50 लाख रुपए जो 500,000 के नोट में है जेठालाल के पास में है, और जेठालाल के सीए चंद्रकांत भाई ने कह भी दिया है कि वो मुसीबत में फंस सकते हैं। यानी कि क्या होगा आगे, जेठालाल कैसे निजात पाते हैं इस मुसीबत से, क्या करते हैं वो, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन इतना जरूर तय है कि दुनिया में कोई भी करेंसी समाप्त हो जाए, हंसी की करेंसी कभी समाप्त नहीं होगी और होनी भी नहीं चाहिए। और इस करेंसी के हम आपको ढेर देंगे जब आप देखेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज।